हम स्टार्ट करते हैं इफ प्रीफिक्सेस इज अ वर्ड और लेटर्स व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर एसआई यूनिट जिसको हम एसआई यूनिट से पहले लगाते हैं पहले प्लेस करते हैं एसआई यूनिट से सो प्रीफिक्सेस इज अ वर्ड और लेटर व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर एसआई यूनिट सो एंड प्रीफिक्सेस आर द मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस आर द मल्टीपल्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ टेंस मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास 10 × 10 × 10 ये सारे हमारे पास क्या है हमारे पास मल्टीपल ऑफ टेंस है सो 10 × 10 = 100 100 × 10 = 1000 और इस तरह जितनी भी आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह मल्टीपल ऑफ 10 आएंगे तो इतनी हमारे पास ये वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्चुअली प्रीफिक्सेस हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हम जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को तो उसमें हमारे पास जब रिजल्ट्स आते हैं रिजल्ट्स में हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लार्ज बड़े वैल्यूज होते हैं और हमारे पास ऐसे वैल्यूज भी आते हैं जो कि नेगेटिव पावर्स में आते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज होती है तो उन वैल्यूज को हम पूरा नहीं लिख सकते कैलकुलेशन में क्योंकि ना तो हम बहुत छोटी वैल्यू को लिख सकते हैं और ना तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को लिख सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके पहले हम क्या करते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेते हैं और उसको उसके बाद जो है ना हमारे पास प्रीफिक्सेस है जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम मल्टीपल ऑफ टेंस में लिखते हैं तो मल्टीपल ऑफ टेंस तो बहुत से हैं फॉर एग्जांपल 10^2 10^3 10^4 इस तरह बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 है फिर हर एक 10^2 10^3 10^4 इसको हम लोगों ने एक अलग अलग नाम दिए हुए है फॉर एग्जाम्पल किलो सेंटी एटसेट्रा बहुत से नाम है इसकी तो पहले फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि मास ऑफ अर्थ हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है 5 मास ऑफ अर्थ 5.972 मल्टीप्लाई 10^-24 kg सो ये हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखे तो 5972 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 up to 24 हम लिखेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू हम लिख नहीं सकते तो इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन तो स्टैंडर्ड नोटेशन के पास हमारे पास आ जाता है मल्टीपल ऑफ 10 ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 10^24 अब अगर आप जो यहां पे देखें तो x 10^18 अगर हमारे पास 10^18 आ गया तो हम उसको नेम करेंगे एक्सा से फिर हर एक मल्टीपल्स के लिए हमने अपने अपने नाम दिए हुए है फॉर एग्जांपल एक्सा बेटा टेरा गेगा 10^9 मेगा 10^6 किलो 10^3 एंड हेप्टो 10^2 डेका 10^1 इस तरह हमारे पास अगर कोई बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाए फॉर एग्जांपल 0005278 ये हमारे पास एक वैल्यू है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर में और स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर पॉइंट ना हो तो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है अब इस डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे इस चीज के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 5 सेकंड नॉन जीरो डिजिट इज 2 थर्ड नॉन जीरो डिजिट इज 7 सो वी विल प्लेस द पॉइंट फ्रॉम हियर टू हियर सो 1 2 3 4 5 5.278 × 10^-5 क्योंकि पॉइंट डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो हमारे पास पावर नेगेटिव में आएगी अगर राइट से लेफ्ट पे जाएगा तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी तो इसके बाद 10^5 अगर अब इस प्रीफिक्सेस को देख लें कि हमारे पास 10^-5 है तो माइनस पावर के लिए 10^-20 10^-270 10^-3 इसमें 5 नहीं है -5 10^-6 है सो व्हाट वी विल डू वी विल मूव डेसिमल पॉइंट
वन डिजिट पर वन। सो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो इस तरह हो जाएगा कि 52.78 मल्टीप्लाई 10^-6। माइनस सिक्स किस चीज के बराबर है? माइक्रो के। किस चीज के बराबर है? माइक्रो के। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि 52.78 माइक्रो और 52.78 माइक्रो। सो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास रिफ्लेक्सिस का यूज आ गया। इस तरह से हम रिफ्लेक्सिस को प्लेस करते हैं। हाँ, अगर इसके पास कोई यूनिट हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यू थी जो कि बहुत छोटी वैल्यू थी, और 278 केजी, यहाँ पर भी लिख लिया केजी, केजी, ये केजी मैंने सपोज किया है, मतलब आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी लगा सकते हैं, केजी भी लगा सकते हैं, मीटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह यूनिट लग जाएगा, और यूनिट से पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे? प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को सिंपलीफाई करें, किसी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को सिंपलीफाई करें। प्रीफिक्सेस के हमारे पास बहुत से वो नेम्स है, 10^18, इस तरह -1, 10^-2, 10^-3, मिली, 10^-6, माइक्रो, किलो। किलो का देखें हमारे पास प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, किलो, मेगा, गीगा, फॉर एग्जांपल किलो हमारे पास है 10^3 किलो। हम लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं किलोमीटर। सो किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। सो 1000 इज इक्वल टू 10^3, 1, 2, 3 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 × 10^3 हमारे पास क्या आ गया? किलो। सो किलो इज 10^3। इस तरह मेगा हमारे पास 10^6, गीगा हमारे पास 10^9। सो इस तरह हमने डिस्कस किया कि 1000 इज 10^3 व्हिच इज इक्वल टू किलो, यहाँ पे हमारे पास किलो। सो अगर हम किसी चीज के साथ किलो लगाते हैं, किलो प्लेस करते हैं किसी ऐसा ही में, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर है और यहाँ पर हम लगा लें किलोमीटर। सो इसका मतलब है कि इस मीटर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1000 पार्ट्स इंक्रीज कर गई। इस तरह किलो की जगह 1000 मीटर। इस तरह हमारे पास सेंटी है, 1/100 which is centi, 10^-2। इस तरह मिली है 10^-3, 1/100 क्योंकि ये नेगेटिव है 10^। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पावर हमारे पास पॉजिटिव है, इट मीन्स जिस चीज के साथ ये लगेंगे उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10^2 है, हमारे पास 100 है, तो 100 उस वैल्यू को 100 पे ही इंक्रीज कर लेता है। इस तरह 1000 है, 10^3 है, सो किसी भी चीज की वैल्यू 1000 इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि 10^-2 बहुत छोटी वैल्यू है, 10^-3 इससे भी बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, तो नेगेटिव पावर में वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी और पॉजिटिव पावर में हमारे पास वैल्यू इंक्रीज होगी प्रीफिक्सेस के लगाने से। और इस तरह 1/100, तो 1/100 का मतलब है कि इट्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 100 पार्ट्स। इस तरह 1/1000 है, ये हम ज्यादातर यूज करते हैं यूनिट कन्वर्जन में। सो 1/1000 इट मींस इट्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 1000 पार्ट्स। सो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस थे कि हम एक्सप्रेस करते हैं किसी बड़े वैल्यू को, उसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। इस तरह हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो तो वो भी हमारे पास जो है ना ईजी हो जाता है प्रीफिक्सेस के लगाने से और साइंटिफिक नोटेशन को अप्लाई करने से। सो ये तो था आज का हमारा प्रीफिक्सेस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आज तक के लिए इतना ही, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।